आप मत देखो अभी। और हाँ ठीक हो जाओ मम्मी पहले मम्मी। राम राम बोलो मम्मी मुझे। में एक दुखद खबर भी है कि हाँ इसकी बाइक चोरी हो गई है और जो कि अभी तक नहीं आई। नहीं आराम से बोला कर, अरे ऐसे क्या बोला कर, पिट रहा है। ये मम्मी को कुछ नहीं पता इस बारे में तो। देखो 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 किक 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 ये राम राम भाइयों, आप साथ सब ठीक हो और आप देख के बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद हम आए हैं व्लॉग में, क्योंकि यार बहुत काम थे निपटाए, चल भी रहे हैं और अब भी काम भी चल रहे हैं। आप मत देखो अभी। और हाँ ठीक हो जाओ मम्मी पहले मम्मी। पहले हमें सुधरी जी बन जा फिर व्लॉग बनेगा। तो जी आज भी काम है और हम जा रहे हैं एक शादी में जो कि शादी है मुजफ्फरनगर और एक छोटा सा सरप्राइज भी है। नहीं सरप्राइज तो हमें पता है, कोई सरप्राइज नहीं है, झूठ बोल रहा है। है नहीं, नहीं कोई नहीं है। पता हम क्यों जा रहे हैं? हाँ मम्मी बहुत तेज गया ना बाइक वाला। राम राम बोलो मम्मी मुझे। तो जी मुजफ्फरनगर के लिए निकल चुके हैं मैं और पापा की परी टब्बी। मम्मी को तो मेरठ छोड़ना है, मम्मी जाएगी अपनी बड़ी बहन के घर पे जो कि मम्मी को बहुत जरूरी काम है। वो जरूरी काम मुझे भी नहीं पता, बट जो भी वीडियो देख रहे होंगे घर के रिलेटिव वो जरूर पूछ रहे मम्मी को क्या काम था, तो जरूर जरूर पूछना। हाँ जरूर पूछना। तो निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर के, टाइम हो चुका है 5:30 और मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे से निकले हैं। और टाइम कितना लगेगा पहुँचने में? 1.5 घंटा और लगेगा अभी। तो चलो मम्मी से कुछ बातें करते हैं, मम्मी क्यों जा रही है, क्यों आई है, पापा को अकेले घर पे छोड़ के, तो बात करते हैं। मम्मी क्या हाल है? ठीक। तो मुझे पता है, वो तो ऐसे पूछ लिया मैंने, बहुत बात होती है ना आपकी मेरी। तो आप क्यों जा रही हो? ऐसे ही घूमने जा रही है। है? ऐसे ही घूमने जा रही है। इधर देखिए बोलो आप, तो घर पे रहते रहते बोर हो गई थी आप? ओहो तो इसलिए जा रही हो। अच्छा मम्मी ने जाते जाते हर चीज देख ली, इतने फ्लैट है, इतने वो है, खेत को तो कह रही है मम्मी आज बन है बन, तो बन बना दी। दूर दूर तक बन है, दूर दूर तक बन है। और मम्मी हमारी स्पीड है, स्पीड मीटर पे भी आई 87। देखिए मम्मी आप 79 मम्मी 100 से ऊपर नहीं चला सकते इसमें। 79 तो जी रात को ही वापस आना है क्योंकि पापा को रात के पापा की नाइट की ड्यूटी है। तो रात को हाँ मम्मी कुछ कह रहे थे, आप बताओ। तो अपनी बहन के घर पे क्यों जा रही हो मम्मी? ऐसे घूमने। कितने साल बाद जा रही हो मम्मी? पिछली गर्मियों में तो गई थी। 10 साल। 1 साल बाद। 1 साल बाद मम्मी जा रही है ना? हाँ। तो क्या तो, तो अभी थी पिछले इसी महीने 5 साल नहीं पिछले महीने तेज बोलो मिली तो बहन से पिछले महीने ही थी। हाँ पिछले महीने भी कुछ काम था, हम गए थे किसी से। हैप्पी बर्थडे था मौसी की लड़की का, मौसी की लड़की की लड़की का, am I right? तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी SDS क्रिकेट एकेडमी की, वो तो अभी बच्चे थे सारे, मैच दिखाया मैंने उनको और मैं पूरी एकेडमी आपको दिखाऊंगा। मैंने अपनी एकेडमी ओपन कर ली है, SDS क्रिकेट एकेडमी जो कि चिरोड़ी में है, उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल पता लगेगी। और बहुत दिनों बाद पापा की परी आए हैं हमारे साथ क्योंकि पापा परी और मेरी लड़ाई चल रही थी बहुत दिनों से। कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई थी कुछ भी, और कुछ भी झूठ है भाई झूठ। उस बीच में एक दुखद खबर भी है कि हाँ इसकी बाइक चोरी हो गई है और जो कि अभी तक नहीं आई नहीं है। तो यार आप कमेंट में बताना, देखो जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे वही चीज आएगी, स्कूटी या इसकी बाइक, बाइक दो में से एक चीज बताना प्लीज। इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी जो भी आ रही है किसकी, कौन सी कंपनी हो बाइक बताना। आप दिलाओगे ना फिर? एक नई स्कूटी आई है, क्या नाम है उसका? अथर पता नहीं, पता नहीं नाम नहीं पता। तो जी काफी अच्छी स्कूटी है, सोचा स्कूटी भी बेकार ही होगी, तो हमने सोचा कि स्कूटी ले ले। मेरा तो मन है स्कूटी लेने का क्योंकि यार ये बुलेट चला रहा है आजकल बहुत ज्यादा खराब भी कर दिया, ठीक भी था। इसमें बुलेट ठीक तो करा दे रहा, मैं बुलेट इतनी अच्छी चलाता हूँ, तो सारी ठीक मैंने करवाई थी कल भी। कल इंडिकेटर तो उसी इंडिकेटर नया भी लगवा के लाया था।
लो जी लो, कल इंडिकेटर तोड़ के लाया और आज पंचर करके लाया। इंडिकेटर भी ठीक है और बाइक का पंचर भी ठीक है। क्या बढ़िया था गुरु। और रात को ब्लॉग में चेक करवाऊंगा मैं। मम्मी ने क्या कहा, आराम से बोला कर, हंस के बोला कर, पिड़ रहा है। तो बुलेट भी है घर पे, तो यार स्कूटी होनी चाहिए क्योंकि पापा की भी एज अब बढ़ती जा रही है, उनको भी कुछ चलाने के लिए स्कूटी चाहिए। वो भी बैलेंस चला लेंगे, बट कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करते हैं और बात करते हैं स्कूटी की, बाइक की। तो जी जहाँ जा रहे हैं मुजफ्फरनगर निकल गए हैं और वहाँ पे रास्ते में हमें आते वक्त कुछ सस्पेंस है, आपको बताएंगे कि हमारे साथ कौन वापस आ रहा है और शादी किसकी है वो मम्मी बताएंगी। मम्मी किसकी शादी में जा रहे हो? रिश्तेदारी कौन सी बताओ ना। देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको, जो जीजा जी है मेरे जीजा जी, उनकी मामा की लड़की की शादी है। और देखो मैंने डायरेक्ट बताया क्योंकि मुझे इस तारीख पता होती है, मम्मी को कुछ नहीं पता इस बारे में। तो उनकी शादी में जा रहे हैं हम, शादी अटेंड करते हैं, वहाँ से आज ही वापस आए। कार्ड आ चुका है, वो फोन पे है और फोन पे बातचीत हो चुकी है। तो चलिए ड्राइव करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और अब ओवर टीवी पापा की बनी। ठीक है, तो जी रात के बज रहे हैं पौने 12 और अभी एक स्टॉप लिया है और जैसे आप देख रहे हो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ चीकू है, चीकू की मम्मी है एकांश है और मम्मी है और पापा की परी है। तो अभी घर की रवानगी है, अभी मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लगेगा घर पे और फिर वहाँ जाके आपसे बात करते हैं घर पे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो आज है एकांश का 11th मंथ बर्थडे, तो इसको सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ और फैमिली के साथ। तो चलते हैं, कोई डेकोरेशन नहीं है क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं किया था, एकदम से केक लेके आया और बर्थडे के लिए स्टार्ट किया क्योंकि इसका एक मंथ और बचा है, उसके बाद एक साल का इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी इसका केक कट करते हैं। Happy birthday to you.